मध्य प्रदेश प्रशासन जिला चिकित्सालय में पदस्थ सभी शासकीय डॉक्टरों के लिए नई नीति के तहत अब डॉक्टरों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं देनी होंगी। इस कड़ी में आज पहला दिन अस्पताल में कैसा रहा, जब ये जानने के लिए हमारी टीम अस्पताल पहुंची तो पाया कई डॉक्टर अपनी सीट से नादारद हैं। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर एसके जैन के मुताबिक वे खुद इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सभी सामान्य रूप से चलता रहे एवं डॉक्टरों की उपस्थिति भी पूरे टाइम रहे। वहीं जब डॉक्टरों की अनुपस्थिति के बारे में सिविल सर्जन से जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत इमरजेंसी ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगी, वहीं दोपहर में 2 बजे से लेकर 8 बजे तक की दूसरी शिफ्ट चलेगी। इसके साथ ही तीसरी शिफ्ट रात के 8 बजे से लेकर सुबह तक चलेगी। जो डॉक्टर रात की ड्यूटी करेगा वह दिन में छुट्टी पर रहेगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं कि किस तरह की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा लागू की गई, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने इस तरह की पहल करने की कोशिश की थी जो कुछ दिनों में ही टाए टाए फिस हो गई और योजना को बंद करना पड़ा जो कि लंबे समय तक नहीं चल पाई। साथ ही डॉक्टरों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराना भी इसका मेन दबाव रहा। डॉक्टरों ने यह भी कहा था कि सामूहिक रूप से नौकरी से त्याग पत्र दे देंगे। देखने लायक होगा कि कमलनाथ सरकार इस मामले में कैसे डॉक्टरों से काम करा पाएगी। पहला दिन है, आप मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं वो दूरी जो कौन कौन से डॉक्टर बैठे हैं। अगर आज जैसे कुछ डॉक्टर बिना कहे चले जाए तो अपन क्या करें? नहीं, तुम लेके पूरी जानकारी देते संक्षेप में। हाँ, इसमें नई नहीं है, उसके समय के हिसाब से जो हॉस्पिटल का टाइम है 9 बजे से 4 बजे तक रहेगा, इसमें 1:30 से 2:15 बजे तक लंच का टाइम है। इसमें कुछ व्यवस्था अपनी इमरजेंसी ड्यूटी के हिसाब से भी की गई है। इसमें जो इमरजेंसी ड्यूटी का डॉक्टर आएगा 8 बजे से और वो 2 बजे तक रहेगा। 2 बजे से आने वाला डॉक्टर वो अपने 8 बजे तक रहेगा और रात का डॉक्टर रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक रहेगा। ये तो ये व्यवस्था की गई है इमरजेंसी में। इसी तरह से पैथोलॉजी की व्यवस्था की गई है। पैथोलॉजी का टाइम भी 9 बजे से 4 तक रहेगा, लेकिन इसमें जो सैंपल कलेक्शन करने वाले की जैसे कुछ फास्टिंग शुगर कराने वाले होते हैं उनका जो सैंपल कलेक्शन के लिए वो 8 बजे से टाइम लगा दिया। और सर आज आप पहला दिन है, सर आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसको लेके, आपने देखा कुछ सही आपको देखा? नहीं, ठीक है, पर्याप्त लोग आए हैं। इसमें कुछ लोग 3 इस तरह से जैसे मैंने बताया ना, इस तरह से कम हो जाते हैं जो मॉर्निंग की ड्यूटी में रहता है तो उसको आफ्टरनून ड्यूटी में एग्जेम्प्टेड हो जाता है और नाइट ड्यूटी वाला अपने मॉर्निंग ड्यूटी से एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। रात में जो नाइट ड्यूटी देके जाएगा वो मॉर्निंग ड्यूटी से एग्जेम्प्टेड रहेगा। सर जैसे ड्यूटी के दौरान सर कोई डॉक्टर चले जाते हैं बिना बताए तो उन पर आपकी नोटिस देंगे और उनको अगर पाया जाएगा सर पर्याप्त कारण नहीं हुआ तो उनका कार्रवाई करेंगे।